गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेबी डायपर रैश के बारे में। चलिए आइए ये डिस्कस करते हैं। सो मॉमीज एंड डैडीज, आजकल की हमारी एक रेगुलर डे प्रॉब्लम हो गई है बेबी का डायपर रैश। जब हम रोज बच्चों को डायपर्स पहनाते हैं तो अक्सर बच्चों को रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से उनका हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या तो बच्चों को प्रॉपर एयर नहीं मिल पाती है, नेचुरल एयर, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्योर भी है, लेकिन उसको ज्यादा लेवल तक जाने ना दें। जब वो थोड़े ही लेवल पे हो और आपको ऐसा अनुमान होने लगे कि बच्चों को रैशेस हो रहे हैं, हल्का आपको उसमें रेडनेस दिखे या कहीं थोड़े दाने दिख जाएं, तभी से आप उनका क्योर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इनके क्योर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको बच्चों के डायपर्स एकदम निकाल देने हैं, एटलीस्ट डे टाइम में। जितनी देर तक भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चों का डायपर, उतनी देर के लिए तो बच्चों को फ्री एयर में छोड़ दीजिए। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्लेनलीनेस और हाइजीन का बहुत प्रॉपर ध्यान देना है। ज्यादा उस एरिया में आपको सोप और पानी का से बचाना है, और अगर आप उसको वॉश कर रहे हैं तो इमीडिएटली उसको टॉवल से पैड ड्राई कर दीजिए, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हम अभी बताएंगे वो लगा दीजिए। तो गाइस, चलिए जानते हैं जब बच्चों को रैशेस हो जाएं तो क्या करना चाहिए। मैं बताती हूँ, मेरे बेटे को भी दो या तीन बार ही रैशेस की प्रॉब्लम अब तक हो गई है। वो अब 18 मंथ्स का है और हम सब काफी वरिड हो जाते हैं। हमने भी अपने डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से सबसे राय ली, तो उन्होंने कहा इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, हर बच्चे को किसी न किसी पॉइंट पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, और उसके बहुत ही क्विक रेमेडीज हैं। जैसे ही आपको सेंस हो कि बच्चों को रैशेस हो रहे हैं, सबसे पहला होम रेमेडी है कि आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कर दें, उस पर प्रॉपरली क्लीन करें उस एरिया को और थोड़ा सा ड्राई हो जाने दें, उसके बाद कोकोनट ऑयल उस एरिया में लगा दें। ये तो एक क्विक होम रेमेडी है जो कि सबके पास होती है अवेलेबल। बट गाइस, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हर कोकोनट ऑयल जो आप घर पे यूज करते हैं वो आप बच्चों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमने अपने बेबी के लिए ये प्रीमियम वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज किया था, जो कि कोल्ड प्रेस्ड है। हमेशा एक कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल ही बच्चों के लिए रेकमेंडेड होता है। ठीक है, आप ये कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उस वहां से भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, एक बहुत अच्छी डायपर रैश क्रीम। गाइस, हमने बहुत सारे ब्रांड्स की रैश क्रीम ट्राई की थी, बट हमारे बेबी को हिमालय की डायपर रैश क्रीम बहुत ज्यादा सूट करी थी, और ये बहुत ही बेनिफिशियल रही हमारे लिए। जब भी हमें हल्का फील होता है तो हम इसका यूज उसके लिए कर लेते हैं। थर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम हम लोगों को सूट किया था, जो कि इन दोनों के बिना, अगर वो दोनों हम ना भी यूज करें और हल्का सा लगता भी है जो हम यूज करते हैं, वो है ये क्लोट्राइमाजोल पाउडर। आपको इजिली किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएगा और आप वहां से ये ले सकते हैं। इससे बच्चों को इचिंग प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी एकदम। सो गाइज, जैसा कि मैंने बताया कि होम रेमेडी एक क्विक होती है, कोकोनट ऑयल आपने अप्लाई कर दिया, बट अगर फिर भी बच्चों के रैशेज नहीं जा रहे हैं तो हमको डायपर रैश और क्लोट्राइमाजोल पाउडर के लिए स्विच करना पड़ता है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि बच्चों के डायपर्स आप तुरंत निकाल दीजिए, उसके बाद उस एरिया को प्रॉपरली क्लीन कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी डायपर रैश क्रीम बच्चों के उस एरिया में जहां पे रैशेज हैं वहां पे अच्छे से फैला के लगा दीजिए, उसके बाद आप ये क्लोट्राइमाजोल पाउडर और अच्छे से उस पर डाल दीजिए। क्योंकि जो ये क्रीम है, ये इसलिए पहले लगाने को कहा जा रहा है कि उसके बाद पाउडर उस पर प्रॉपरली स्टिक हो जाएगा और वहां इचिंग क्रिएट नहीं करेगा, वो इचिंग प्रिवेंट करेगा, तो इसलिए ये बेनिफिशियल रहेगा। बच्चों को बाहर की प्रॉपर एयर मिलती रहेगी,
रैशेस से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा आपको। और अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपके बच्चों के अंदर थोड़े बहुत रैशेस हैं, तो आपको रैश क्रीम लगाने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है। आप सिर्फ ये क्लोट्राइमाजोल पाउडर ही थोड़ा बहुत उस जगह उस एरिया में लगा दीजिए, आपको फटाफट देखेंगे कि बच्चों को रैशेस से छुटकारा मिल गया है। सो पेरेंट्स, आप प्लीज डायपर्स पहनाने से बच्चों को बिल्कुल भी ना डरें, डायपर्स पहनाना बिल्कुल सेफ है। इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो किया है, आप वो देख सकते हैं। और अगर कभी कभार बच्चों को ये रैशेस की प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इजिली ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करके उसको फटाफट बाय बाय कह सकते हैं। सो गाइज, ऐसे ही बेबी केयर वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।